मक्का से किसानों की बड़ी मुश्किलें, कीमतों में गिरावट से किसान परेशान। आजमनगर प्रखंड क्षेत्र के सैकड़ों किसानों को कोरोना संक्रमण के प्रकोप से मक्का की कीमतों में भारी गिरावट हो गई है। इससे किसान परेशान है। लॉकडाउन में मक्का लगाने वाले किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मक्का की कीमत में भारी गिरावट से किसान चिंतित है। उचित कीमत व सुरक्षित बाजार के अभाव में किसान मक्का बेचने को लेकर परेशान है। सरकार हमेशा किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है, लेकिन आज संकट के समय में मकई लेकर किसान इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं। पिछले वर्ष मक्का की कीमतों को देखते हुए क्षेत्र के किसानों ने अपनी आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से खेती में तकनीकी का सहारा लेते हुए मक्का फसलों को प्राथमिकता देकर काफी मेहनत व खर्च किया, लेकिन उन्हें उनकी पूंजी और मेहनत बेकार होती नजर आ रही है। इस वर्ष कोरोना ने किसान की कमर तोड़ दी है। लॉकडाउन को लेकर मक्का की कीमतों में भारी गिरावट रहने से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इलाके में सरकार द्वारा तय मजदूरी से अधिक मजदूरी देकर किसान मक्का तैयार करा रहे हैं, लेकिन मक्का की कीमत 1100 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि पिछले वर्ष 1800 से 2200 रुपए प्रति क्विंटल था। मक्का की बढ़ती कीमतों से प्रोत्साहित होकर क्षेत्र के किसानों ने अपनी क्षमता से अधिक पूंजी खेत में लगा दी थी, लेकिन इस बार कोरोना वायरस महामारी को लेकर मक्का फसल का खरीदारी नहीं हो रही है, जिससे किसान बहुत चिंतित व परेशान है। फसल लेकर बहुत समस्या है, कोरोना वायरस लेके ना हम लोगों को सुविधा मिल रहा है, और मक्का का फसल लेके बारिश में भी हम लोग तबाह हो रहे हैं, ना उसको एक सही ढंग से सिंचाई कर पा रहे हैं, मतलब सुखा पा रहे हैं, और जब फसल तैयार हो के आया है तो दाम नहीं मिल पा रहा है, उसको लेके जाए तो जाए कहाँ, और उस अनुपात में दाम नहीं मिल पा रहा, जितनी लागत लगी है हम लोगों को उसके एवज में पैसा नहीं मिल रहा, तो हम लोग मक्का फसल तैयार करके करें तो क्या करें, कहाँ बेचें, साधन नहीं है जाने का, ये सब सारी समस्या हम लोगों के साथ में, हमारा ही नहीं बहुत सारे किसानों के साथ ये समस्या है। दिलीप राय, क्या समस्या? समस्या है कि खेती कर रहे हैं लेकिन ऋण कर्जा करके मक्का का खेती किए हैं, बहुत कर्जा है ऋण ही करके, उसके बाद जो है कि दाम अभी नहीं, जो झड़ी वर्षा के आंधी तूफान में जो है कि एक तो खेत ऐसे ही मारा गया है, उसके बाद हम लोग किसी तरह से लाए हैं तो अभी हम लोग को दाम नहीं मिल रहा है, हम कहाँ लेवाल भी कोई नहीं है, दाम नहीं लगा रहा है, हम लोग कहाँ किसान ऐसे मर रहे हैं, हम लोग के लिए सरकार कुछ कहाँ कोई व्यवस्था कर रहे हैं कि सरकार पर हम लोग कोई ई करें।